डुमरी अनुमंडल अंतर्गत अवस्थित नीमियाघाट थाना में नए थाना प्रभारी साधन कुमार ने आज पदभार ग्रहण किया। थाना प्रभारी के रूप में योगदान देने के बाद उन्होंने कहा कि थाना क्षेत्र को अपराध मुक्त बनाना उग्रवाद उन्मूलन के लक्ष्य के साथ ही अपराधियों पर नकेल कसी जाएगी ताकि क्षेत्र की आम आवाम सुकून से रह सकें। बता दें कि साधन कुमार 2018 बैच के हैं। इनकी सबसे पहली पोस्टिंग गिरिडीह जिले के तीसरी थाना में, उसके बाद जमुआ थाना में सब इंस्पेक्टर के पद में हुई थी। उसके बाद नीमियाघाट थाना का उन्हें प्रभारी बनाया गया। नीमियाघाट थाना के पदस्थापित सभी अधिकारियों से परिचय प्राप्त किए। बता दें कि एसपी अमित रेणु ने इसके पूर्व 9 मार्च को तत्कालीन थाना प्रभारी गोपाल कुमार महतो को कार्य में लापरवाही के आरोप में लाइन हाजिर कर दिया था, जिसके बाद आज नए प्रभारी ने पदभार ग्रहण किया।